इस समय बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी जो इनकी बात थी और जो ये सारा साल जोर जोर से बोल बोल कर कहते थे कि जब तक तीन काले कानून वापस नहीं जाएंगे हम घर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने सुबह उठ के अनाउंस कर दिया कि तीनों कानून ख़त्म कर दिए, तो उनको तो उसी दिन चला जाना चाहिए था। और छोटे मोटे मुद्दे हैं, हो जाएंगे हल। सर बैठक हुई, बैठक विफल रही मुख्यमंत्री जी के साथ किसानों की, मुकदमे दर्ज और अन्य मांगों को लेकर, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसको सफल या विफल नहीं कहा जाता, पहली बार बैठे थे दोनों साइडों, क्या क्या किस किस लेवल पर सोच रहे हैं वो बातें सामने आ रही। क्या कुछ राजनीति, उनका निपटान होगा, क्या कुछ राजनीति है जिसके चलते वो छोड़ नहीं रहे हैं? नहीं, राजनीति तो है, कुछ ताकतें सर्वविदित हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो, कुछ हमारे दुश्मन हैं, कुछ देश में बैठे दुश्मन हैं, वो तो चाहते हैं कि आग लगी रहे। लेकिन अब मुझको लगता है कि किसान ने मन बना लिया और सरकार ने भी, ये बात जो है अब ये धरना समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। किस तरीके से देखते हैं ओमिक्रॉन को लेकर सरकार कितनी अलर्ट है? ओमिक्रॉन को लेकर हमने पूरे स्टाफ को, हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया, अपनी दवाइयाँ देख ली, अपने इक्विपमेंट देख लिए, सारे साधन देख लिए, हमने PSA प्लांट लगाए थे 90, उनको फंक्शनल कर दिया, 100 बेड से जरा के अस्पतालों में मैंने वेंटिलेटर चालू करने के लिए आदेश कर दिया ताकि ICU बन सके, और उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए हमारे रोहतक MDU में लैब थी, वो हमने फंक्शनल कर दी। पंजाब में राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? हम नवजोत सिंह सिद्धू कई सिंगर्स को भी लेकर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। देखिए ऐसा है, जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की प्रधान कर रहे हैं, उसकी नैया तो जरूर डूबेगी, कैसे डूबेगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन डूबेगी जरूर। दो सवाल हो रहे हैं सर। अजय चौटाला बयान दे रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उनका स्थापना दिवस है, उसको लेकर वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहाँ पर करनाल, अम्बाला, यमुनानगर में ये बयान दिया। नहीं पता नहीं किस संदर्भ में वो बात कह रहे हैं, कोई राजनीतिक ज्ञान बांट रहे हैं जहाँ कोई अनु। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।